शुक्र है मेरे मालिक, मेरे रूह को होश आ गया। मैं तो चार नफिल शुक्राने के माने। सही कह रही हो अम्मा, लेकिन अम्मा एक बात समझ नहीं आई। जब यहां पे था तब तो शकील मेहरू के पीछे बड़ा मारा जा रहा था, अब बाहर जाते के साथ ही तलाक क्यों मंगा दी? ये बात तो खलील भैया जब नहीं समझ आई, लेकिन मैं तो ये शुक्र अदा कर रही हूँ कि बच्ची को होश आ गया। भैया हम क्या कर लेते। ठीक कह रही हो तुम तो अम्मा। शकील ने मेहरू को तलाक दे दी, वो ऐसा कैसे कर सकता? वो तो मेहरू से शदीद मोहब्बत का दावेदार था। हना जान से जिद करके कितनी मुश्किल से उन्हें मना कर निकाह किया, और जिसकी खुशी और ख्वाहिशों के लिए वो हम सबको छोड़ कर गया था, उसी को ऐसा जानलेवा तुम क्यों दे दिया? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मैं सर पे थी तब ये सब कुछ हुआ, और शुक्र इसको होश आ गया, तुझे नहीं पता। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। ओए होए होए, बच्ची मेरी ऐसे क्यों हो रही है? तू इतनी परेशान क्यों? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर, हम सब है ना तेरे साथ। जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ अभी तक। ऐसी बातें क्यों कर रही है? दिल दहलाने वाली है। चली क्यों नहीं जाती है यहाँ से? हैं? तमाशा क्यों देख रही है? आप लोगों को तो बहुत खुशी हुई होगी, खुशी हुई है ना? अब क्या यहाँ पर ये झूठी तसल्लियां देकर क्या जाहिर करना चाहती हैं आप कि मेरी फिक्र है आपको? अरे आप तो बहुत ही खुश होंगी, तो ये झूठी हमदर्दी क्यों दिखा रही है मुझे? हाँ, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? यही चाहती थी ना हम। अरे बच्चे हम तो, और आप ये खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? हाँ, आप भी यही चाहते थे ना? अम्मी अम्मी ले जाए इनको यहाँ से, तमाशा देख रही है ये। समझ में नहीं आ रही मेरी बात आपको? जा क्यों नहीं रही? जाए यहाँ से। खुशी होगी ना आपको भी, बहुत खुश होंगी ना? यही चाहती थी आप। दे दी मुझे शकील ने तलाक, चला गया यहाँ से, छोड़ दिया उसने मुझे, पागल से मच के रखा है बिना वजह की तसल्लियां देने। तमाशा देखना चाह रही है ये लोग, जाए यहाँ से। खड़ी क्यों हुए आप? क्या हुआ अम्मा? अब वो कभी भी हमारा फोन नहीं उठाएगा। हाय अल्लाह, अरे ये शकील, अरे क्या किया तूने ये शकील? अरे ये कैसा सदमा दे दिया, कैसा दुख दे दिया माँ। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इतने शौक से निकाह करने की, जब तलाक ही भेजनी थी तो? अपनी जान की कसम दे के मुझे मनवाया इसने, अपनी बहन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही खलील। बड़ा ही धोखेबाज और झूठा निकला मेरा भाई, मतलब ही इतने अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, कहता था
खलील भाई, तुम्हारी कॉस्मेटिक्स की दुकान को सुपरमार्केट बना दूंगा मैं। खाक में गई सुपरमार्केट, घर बंगला पैसे याशी वाली जिंदगी, क्या क्या कुछ दिखाया था उसने, मगर वो सारे ख्वाब उसकी तरह झूठे और दो नंबर निकले। और ससुराल की बात तो पूछो ही नहीं अम्मा, बड़ी इज्जत है मेरी वहां पे, बड़ा दामाद हूं मैं, लेकिन अब पूछो क्या करूंगा मैं वहां जाके, किस तरह जाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे। अरे शकील, ये क्या कर दिया तूने बच्चे। ए खलील, किसी से पता तो कर, उसके दोस्तों से, इस मामले के पीछे क्या किस्सा है। अम्मा किससे पूछूं मैं, कोई भी कुछ नहीं जानता, उसके दोस्तों से भी पूछा, किसी को कुछ नहीं पता, और मैंने सुना है कि वो अब जद्दा में भी नहीं है। हैं? अब फिर कहाँ चला गया? नई मंजिलें, नए रास्ते, दौलत की चमक दमक ने उसको सारे रिश्ते भुला दिए हैं। मैंने सुना है कि वो साउथ अफ्रीका जाने की तैयारियां कर रहा है। हाय मेरे खुदाया, या अल्लाह, अब क्या होगा। खलील, पास्टर की तलाक तो मेहरू को हुई, ये जेबी क्यों तलाकन बन के अपने मैके में बैठ गई, उससे को घर आए, बल्कि लेके आओ उसको। अम्मा वो नेहरू और खाला की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए तो आ जाएगी। वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, माँ की बिल्कुल परवाह नहीं है, हैं? तू भी अपने छोटे भाई के नक्शे कदम पे चल पड़ा। मैं किस अजाब से गुजर रही। अरे हिम्मत नहीं है मुझ में अब ये काम काज करने की, लेके आ जा अपनी बीवी को, मुझसे नहीं होते। एक तो सदमा इतना बड़ा, ऊपर से मैं ये घर कैसे संभालूं। अपनी बीवी को बुला के लेकर तो अपनी ससुराल का ही होके रह गया। एक मिनट अम्मा, ये ससुराल का दाना मुझे ना देना, ना मैं जन मुरीद हूँ और ना घर दामाद, बड़ा दामाद हूँ मैं उस घर का, बड़ा रोब और दबदबा है मेरा वहाँ पे। मैंने तो शकील से भी कहा था रोब से रहो ससुराल में, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और अब ये हुआ। खैर तुम कह रही हो तो ले आऊंगा तुम्हारी भांजी को जाके। क्या कर दिया शकील ने, कहीं तो पता कर। मेरो दूध पी लो। मुझे नहीं पीनी। कब तक इस तरह भूखी प्यासी माता मनाती रहोगे? खुद को संभालो मेरो। क्या करूं, ना कुछ पीने का दिल करता है और ना ही कुछ खाने का। मेरो, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। अम्मा की तरफ देखो, अगर वो तुम्हें इसी तरह खामोश देखते रहे ना तो वो बीमार हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करके वो ये सदमा सह पाई है। ये ना हो कि तुम्हारी हालत देखकर उनकी बर्दाश्त टूट जाए। हिम्मत पकड़ो। वो तलाक के कागजात का है, फाड़ दिए, जला दिए मैंने वो कागज। भूल जाओ उस धोखेबाज और खुदगर्ज आदमी को। अगर तुम उसे याद रखोगी ना तो ये याद तुम्हारे दिल में चुपती रहेगी। भूल जाओ उसे, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। लाख रुपए कहां से लाऊंगा मैं? बहुत बड़ी रकम होती है 1,00,000 रुपए। आजकल घर के जो हालात चल रहे हैं, 1,00,000 तो क्या मैं 1,000 रुपए भी नहीं निकाल सकता। आपके घर के हालात को क्या हुआ खलील भाई? बस मत पूछो, बहुत मुश्किल चल रही है। वो शकील ने नेहरू को तलाक दे दिया। क्या? लेकिन शकील भाई तो नेहरू से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सब मुझे नहीं पता,
मुझे सिर्फ इतना पता है कि शकील का तलाकनामा मेहरू को मिल गया और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। 2 दिन अस्पताल में रह के आई है, वो तो खुदा ने बचा लिया वरना नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता था। अल्लाह, इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं है। मैं अपनी परेशानियों में इतनी डूबी रही कि मैं किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकी। मेहरू अब कैसी है, जेवी भाभी कैसी है? मुझे तो नहीं लगता कि अब वो घर वापस भी आएंगी। हैं? क्यों? क्यों नहीं आएगी वो? दामाद हूँ मैं, क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? आपके भाई ने उनकी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। बहुत पागल होगी वो अगर मेरे भाई और अपनी बहन की वजह से अपना घर बर्बाद करे। आ जाएगी घर, मैं लेने जाऊंगा उसे। अम्मा ने कहा है उसे लेके आओ, गुड़िया ने स्कूल भी जाना है और अम्मा से घर का काम नहीं होता। अम्मा, आज अगर वो पैसे नहीं लाई ना तो वो गुंडा मुझे मार देगा। अल्लाह ना करे, ऐसा तो ना बोल साथ। तू मेरा अकलौता बेटा है, मैं अपनी जान तुझ पर वार दूं और क्या करूं, गुलशन भी तो मजबूर है, उसे 1 लाख रुपए कौन देगा? शिबा तो महीने की तनख्वाह भी 100 एहसान जता कर देती है, हालांकि गुलशन सारा दिन उसका काम करती है। तो किसी से उधार ले ले। नहीं देगी, साफ इनकार कर दिया उसने। खलील भाई से ले ले, खलील भाई भी तो है। नहीं देगा वो, आजकल उसके हालात और भी बुरे हो गए। क्यों, उनके हालात तो क्या हो गए? शकील ने मेहरू को तलाक भेज दी। क्या, क्यों? अब अंदर की बात अल्लाह जाने, मगर लोग तो कसूरवार मेहरू को ठहरा रहे हैं कि निकाह की बात बहुत आजाद हो गई थी। रोजाना बंसवर के घर से निकलती थी, न जाने कितने लड़कों से उसकी दोस्ती हुई। अरे बकवास करते, मेहरू ऐसी लड़की है ही नहीं। तुझे क्या मालूम? रहने दो अम्मा, मुझे सब मालूम है। इस मोहल्ले की ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरी आंख से उजल हो, सब जानता हूँ मैं। इसीलिए तेरा बेड़ा फर्क हो गया है, सारा दिन आवारा नशे ही बना फिरता है। तूने तो मेरे ख्वाबों को राख बना दिया, क्या क्या सोचा था मैंने कि तू। ओ भाई, अब रोना धोना शुरू। मैं जा रहा हूँ, जब गुलशन आए ना तो उसे बोल देना पैसों का इंतजाम कर दे, वरना हम तीनों का अल्लाह ही हाफिज है। जेबी, बेटा किसका फोन था? अम्मी, वो खलील का फोन था, मुझे देने आ रहा है। खलील? फिर? अम्मी, उस घर में अब जाने को दिल नहीं चाहता। देखो बेटा, वो घर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है, तुम्हें उस घर में जाना चाहिए। मेरा बच्चा, आपा भी जोर दे रही है और खलील भी बोल रहा है, मेरे ख्याल में तो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। अब मैं उस घर में सुकून से कैसे रह सकती हूँ? मैं खुद को मेहरू का मुजरिम समझती हूँ, मगर अपना घर मसाने के लिए मैंने उस पे जोर ना दिया होता, उसे मजबूर ना किया होता, तो आज ये
तुम उसकी मुजरिम नहीं हो बेटा, उसका मुजरिम शकील है। उसने मेरी छोटी सी मासूम बच्ची को घर बैठे बिठाए धोखा भी दिया और तलाक याफ्ता भी बना दिया। जब लोगों की बातें और ताने सुनती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। मेहरों के साथ जो ज्यादती हुई है ना, वो इतनी आसानी से नहीं बुलाई जा सकती। मेरा तो जी चाहता है कि मैं धोखेबाज शकील को मार ही डालूं। ना बेटा, तुम्हें सब्र तो हमुल से काम लेना होगा। वहां जब हर वक्त खाला शकील का जिक्र करेंगी, अपने दुख में रोएंगी, तो ना मुझसे सब्र होगा और ना बर्दाश्त। देखो बेटा, तो मैं तुम्हारी बहन का दुख और उसको दुख देने वाला दोनों को नजरअंदाज करना होगा। मेरा तो यही मशवरा है कि तुम अपने घर चली जाओ। रही बात मेहरू की, तो उसे मैं समझा लूंगी। जा मेरा बच्चा, अपनी बच्ची के और अपने कपड़े समेट और जा अपने घर। अच्छी बच्ची, या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे मालिक मेरी बच्ची को अपने घर में आबाद कर दो। ए भैया, ये सारा सामान अपने साथ वापस लाने की जरूरत क्या थी आखिर? क्योंकि मेहरू को अब इसकी जरूरत नहीं है। सास समझ के नहीं, खाला समझ के ही रख लेती हैं? खाला जन, आपके ख्याल से मेहरू का ये सामान रखना मुनासिब? तो तुम रख लेती, इतना महंगा तुम्हारे सामने सब सामान खरीदा, क्या जाया कर दें? जो सामान मेरी बहन को तकलीफ दे वो मेरी खुशी का सबब कभी नहीं बन सकता। अम्मा ये भी ठीक कह रही है, ये सामान घर में रहा तो हमें शकील के कमीनेपन और मेहरू की मजलूमियत का एहसास होता रहेगा। मेरा ख्याल है इसे घर से बाहर ले जाना चाहिए। तो क्या करें, घर से बाहर फेंक दें सारे सामान को? दुकान पे रख लेता हूँ। हाँ ये ठीक, दुकान में रख। हाँ ठीक है, पूरा नहीं तो आधा पैसा तो आपको वापस मिल ही जाएगा। अम्मा ये क्या कह के गई? खुला तंज करके गई, समझ नहीं आई। दफा कर इसको, मुंह में डाल, दुकान पे रख, डबल पैसे होंगे। तो कोई रॉन्ग नंबर है। हेलो जी, बोल रही हूँ। अजहर? नहीं, वो तो लाहौर गए हुए। नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है जी, वो तो एक हफ्ते से आउट ऑफ सिटी हैं। जी ओके। अजहर ने तुम तले को इत्तला दी? अब नौबत यहां तक आ गई है मुझसे झूठ बोलकर कि मैं लाहौर जा रहा हूं, जबकि एक हफ्ते से वो यहीं कराची में अपने दोस्त के घर ठहरा हुआ है। दोस्त को कोई गलतफहमी हुई होगी। दिल की तसल्ली को अब ये बहाना नहीं चलेगा बुआ, सच रोज रोशन की तरह आया है और जानने वाले कभी धोखा नहीं खाते। उसका दोस्त गलत नहीं बोल रहा था, अब ये वक्त आ गया है कि वो माँ के साथ रहना ही नहीं चाहता। मैं क्या सोचती हूँ और वो क्या करता है, क्यों नहीं समझना चाहता मुझे, सजा दे रहा है वो मुझे।